योग के बारे में हमारे श्वेता शूद्र उपनिषद में लिखा है, लघुत्वम आरोग्यम लोलुपत्वम वर्ण प्रसाद सौष्ठवम च गंधो शुभम मूत्र पुरीशमल्पम। योग प्रवृत्ति प्रथमा बदलती, अर्थात जो लोग योग का अभ्यास करते हैं उसका काया निरोगी हो जाती है, शरीर हल्का हो जाता है, विषय वासनाएं मिट जाती है, गला मधुर हो जाता है, मूत्र और विष्ठा कम होने लगती है, मन शांत होने लगता है। ऐसे साधकों के लिए ना दुख रहता है, ना कोई तकलीफ रहती है, ना कोई व्याधियां रहती है, ना विघ्न रहते हैं। कितनी बड़ी बात। इसके आगे कहा है, षट्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेद्दृढं मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामालागमं च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनि समाधि नाम निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशयः। षट कर्म है योग में, इतने अद्भुत कर्म है जी, जैसे आप बाहर से अपने शरीर को धोते हैं ठीक इसी प्रकार से आप अपने अंदर के अंगों को भी धो सकते हैं। आसनों के अभ्यास से हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग मजबूत बनते हैं। मुद्राओं से स्थिरता आती है, धैर्य आता है, आदमी जल्दी घबराता नहीं और मन शांत होता है। इसके बाद क्या कहते हैं, प्राणायाम आलागमन च। प्राणायाम से आदमी का शरीर हल्का होता है, मन भी हल्का होता है, सारे जितने भी आपके कुल जो है संस्कार है वो दग्ध होते हैं। प्रत्याहार के बारे में ये कहा है, जब आदमी की जो आकांक्षाएं हैं, जो सोच है, जो विचार हैं, जो और अधिक लालसाएं हैं, और अधिक से अधिक बाह्य वृत्ति, उसको बाह्य वृत्ति को अंतर्वृत्ति करने का नाम प्रत्याहार है। जैसे कछुआ अपने अंगों को बीच में सपेट लेता है, पता नहीं चलता कि इसके अंदर क्या है, ऐसे ही यदि आप अपने आप को अंदर समेटेंगे तो आप बहुत सारे पापों से, बहुत सारे दुखों से, तकलीफों से, जो दुराग्रह है उससे बच पाएंगे। आगे कहा है, ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनि, ध्यान से आदमी अपनी आत्मा का साक्षात दर्शन कर पाता है। समाधि नाम निर्लिप्तञ्च मुक्तिरेव न संशयः, और जब समाधि की अवस्था मिलती है तो इंसान मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। कितनी बड़ी बात है योग में, और हम लोग मूर्ख, सारा विश्व योग को अपना रहा है और हमारे भारत के लोग जिसको देखो दवाई मांगता है, कोई एलोपैथी की मांगता है, एलोपैथी से तंग हो गए आयुर्वेद के पीछे। आजकल योग वाले भी आयुर्वेद की दवाइयां धड़ाधड़ बेच रहे हैं, एक दवाई से हटाया दूसरे में डाल दिया, उसका कोई लाभ नहीं। ये केवल आपको संदेह में और दुख में, तकलीफ में, और आपका पैसा खींचने का तरीका है। योग में एक पैसा नहीं लगता, और योग में ऐसे बढ़िया साधन है, युवा वृद्धो वती वृद्धो व्याधितो वा दुर्बलो अपि वा अभ्यासात सिद्धि मापनोति सर्व योगेश्वर तिन्द्रितः, कि युवा हो, वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, निर्बल हो, दुर्बल हो, कोई हो, रोगी हो, अशक्त हो, बलवान हो, हर व्यक्ति जो है योग के साधन इस प्रकार से बनाए गए हैं कि हर व्यक्ति उनसे लाभ उठा सके। आप आगे कहा है, अरबार के जो संस्थापक हैं योगेश्वर रामलाल महाप्रभु जी महाराज, ये जटाधारी स्वरूप जो आप देख रहे हैं, इनकी करुणा कृपा से पिछले 100 वर्षों में न जाने कितने लाखों लोगों ने नया जीवन प्राप्त किया है। सरल साधन है इनके, जीवन तत्व साधन इतना बढ़िया है, उसका नाम ही कायाकल्प है, आपको पूरा का पूरा रिजुविनेट कर देते हैं।